दोस्तों आपका स्वागत है आज के फ्रेश वीडियो में दोस्तों अगर आप गूगल एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं तो आपको ये मेल जरूर आया होगा जिसके अंदर दोस्तों लिखा है कि रिप्लेसिंग गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स टू गूगल एनालिटिक फोर इसके बाद अलग अलग प्रकार के मेल आ रहे हैं एक ऐसा भी मेल है बी रेडी फॉर गूगल एनालिटिक्स फोर तो काफ़ी सारे ब्लॉगर कन्फ्यूज़ हैं कि ये मेल क्या है क्या हमें करना होगा क्यों गूगल है वो गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक को परमानेंटली शट डाउन करा है इस प्रकार के दोस्तों काफी सारे क्वेश्चन मुझे आए हैं तो आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये ईमेल क्या है आपको आगे अब क्या करना होगा इसके बाद किस इस तरह से दोस्तों आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में गूगल एनालिटिक फोर को सेटअप कर सकते हैं तो सबके बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए आपको स्क्रीन शॉट दिखाई देगा इस प्रकार का ईमेल काफ़ी सारे ब्लॉगर को आया है इसके बाद इसके अलावा भी एक प्रकार का ईमेल आता है जिसके अंदर लिखा है कि बी रेडी फॉर गूगल एनालिटिक्स फॉर इस प्रकार से तो अब देखिए ये जो मेल है वो गूगल ने आपको इसलिए सेंड किया है क्योंकि आप गूगल का जो गूगल यूनिवर्सल प्रॉपर्टी था इसको अभी यूज़ करो तो गूगल है वो इसका गूगल एनेटिक फोर है इसको भी सभी यूज़र को यूज़ करने के लिए कह रहा है वैसे तो गूगल एंड टेक फोर काफी टाइम से गूगल एंड के अंदर आ चुका है लेकिन सभी यूजर इसका यूज नहीं कर रहे हैं अगर दोस्तों आपने रिसेंटली कुछ मंथ पहले गूगल एंड के अंदर आपका न्यू वेबसाइट ऐड किया होगा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली गूगल एंड टेक फोर का ही प्रॉपर्टी क्रिएट होता है अगर आप काफ़ी ईयर से गूगल एंड का यूज कर रहे हैं आपके पास पुरानी प्रॉपर्टी है तो आपको इसको अपडेट करके गूगल एंड फोर प्रॉपर्टी क्रिएट करके आपकी वेबसाइट के अंदर एड करना होगा तो यह किस तरह से आप पाएंगे? क्या क्या आपको आपके एंड के अंदर करना होगा ये सब के बारे में दोस्तों ये वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तो ये सब के बारे में सीखने के लिए हमें जाना होगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए आपको गूगल एड की तरफ से इस प्रकार का एक मेल आया होगा जिसके अंदर लिखा है बी रेडी फॉर बॉट्स नेक्स्ट विथ गूगल फॉर और इसके बाद एक और मेल आपको आया होगा मैं आपको दोस्तों यहां पर दिखाता हूं यहां पर देखिए मुझे दूसरे ईमेल के अंदर इस प्रकार का मेल आया है गूगल एड एक्स फोर इज रिप्लेसिंग यूनिवर्स और इसके अंदर सभी प्रकार की डिटेल लिखी है कि जुलाई वन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री से इसका जो यूनिवर्सल एन है वो कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगा अगर आप इसका पुराना जो यूनिवर्सल एटेक यूज करे होंगे, तो आपकी वेबसाइट के अंदर किसी भी प्रकार का आपको रिपोर्टिंग डेटा देखने को नहीं मिलेगा इसलिए दोस्तों आपको ये जो डेट है इससे पहले आपकी वेबसाइट के अंदर एनाटिक फोर सेट करना बहुत ही जरूरी है ये सभी प्रकार की बात इसके अंदर लिखी गई है तो अब आपको करना क्या है जो भी दोस्तों आपको मेल आया है सिंपल ये मेल के ऊपर दोस्तों यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा सेटअप गूगल एनालिटिक्स फोर इसके ऊपर सिंपल आपको क्लिक कर देना है जैसे बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा यहाँ पर देखिए गूगल एन फोर प्रॉपर्टी सेटअप असिस्टेंट जिसके अंदर लिखा है कि नोट कनेक्टेड तो अभी हमने यहाँ पर एनडेक्स फोर की प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं की है एक बात का आपको और ध्यान रखना कि जो भी आपका आईडी होगा प्रॉपर्टी आईडी इसके सामने अगर यू ए लिखा है इसका मतलब यह है कि ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर क्रिएट प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करते हो और वहाँ पर अगर जो यहीं आता है यू तो इसका मतलब यह है कि अभी भी आप पुरानी प्रॉपर्टी का यूज़ करो तो आपको ये बात का ध्यान रखना है इससे पहले दोस्तों यहाँ पर एक बार आप इसका जो पुराना वर्जन है इसको देख लीजिए ये यूनिवर्सल एनालिटिक का डैशबोर्ड है जिसके अंदर आपको दोस्तों इस प्रकार

क्लिक करना है तो यहाँ पर देखिए सिंपल जस्ट वन क्लिक के अंदर दोस्तों आपका गूगल एनटेक फोर का प्रॉपर्टी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है अब दोस्तों आपको आपकी वेबसाइट के अंदर इस कोड को ऐड करना है जहाँ पर आपने पहले यूनिवर्सल एनटेक का कोड ऐड किया था अब वहाँ पर दोस्तों आपको जी ए प्रॉपर्टी का कोड ऐड करना होगा तो अब दोस्तों आपको अगर जो आपका जी ए का ट्रैकिंग कोड चाहे तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो आपका यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है ये आईडी को दोस्तों आपको चेंज करके वहाँ पर आपको चूज़ करना होगा जी एफ फोर प्रॉपर्टी आई डी यहाँ पर आपको दिखा देंगे जैसे आप प्रॉपर्टी क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक जी एफ फोर का प्रॉपर्टी एड हो जाएगा सिंपल दोस्तों इसको आपको चूज कर लेना है जैसे दोस्तों इसको आप चूज़ करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन चेंज हो जाएंगे वहाँ पर दोस्तों किसी भी प्रकार का जो साफ साफ नहीं लिखा होगा कि यहाँ पर आपको आपका ट्रैकिंग कोड वगैरह मिलेगा इस प्रकार से तो यहाँ पर भी काफी सारे यूजर कंफ्यूज हैं कि हमें ट्रैकिंग कोड नहीं मिल रहा है तो दोस्तों अगर आप जीए फोर का प्रॉपर्टी क्रिएट किया हो तो इसके अंदर दोस्तों ट्रैकिंग कोड ट्रैकिंग इन्फो वर्ड है इसकी जगह पर डेटा स्ट्रम का जो वर्ड यूज़ किया गया है जहां पर आपको देखा जाएगा दोस्तों डेटा ट्रम डेटा स्ट्रम के ऊपर आप क्लिक करोगे इसके बाद दोस्तों आपके सामने आपका ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी कोड क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर आपको दिखा देगा तो सिंपल हमें इसको वेबसाइट के अंदर ऐड करना है तो हम वेब सिलेक्ट करेंगे इसके बाद ये जो कोड है इसके ऊपर आपको एक एरो दिखाई देगा इसके ऊपर क्लिक करना है अब यहाँ पर दोस्तों आपको जाना है नीचे वहाँ पर आपको देखा देगा जो यहाँ पर आपको देखा जाएगा गूगल साइंट टैग तो इसके ऊपर दोस्तों आपको क्लिक करना है वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको देखा जाएगा कि ये आपका ट्रैकिंग कोड आपके सामने आ चुका है इसके अंदर दोस्तों आपको देखना है कि यहीं पर यू तो नहीं लिखा है अगर यहाँ पर यू ए लिखाएगा बार बार तो इसका मतलब ये है कि आपका ये यूनिवर्सल कोड है सिंपल ये कोड को दोस्तों आपको कॉपी करना है इसके बाद आपके डैशबोर्ड के अंदर आपको लॉगिन करना है आपको जाना है अपने इसमें इसके बाद थीम एडिटर के ऊपर आपको क्लिक करना है इसके बाद आपको हेडर के ऊपर क्लिक करना है अब दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज होते हैं सभी ब्लॉगर और सबसे ज़्यादा मुझे क्वेश्चन पे पूछते हैं अब देखिए सभी लोग क्या पूछ रहे हैं कि यहाँ पर हम दोनों कोड को एक साथ में यूज़ कर पाएंगे क्योंकि हमें दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ मॉनिटर करना है क्योंकि हमारे पुरानी प्रॉपर्टी के अंदर काफ़ी सारा डेटा है इसके बाद कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या हम इस कोड को कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकते हैं अगर ये कोड को हम रिप्लेस कर देंगे पुराने यूनिवर्सल कोड को तो क्या हम पुरानी प्रॉपर्टी के अंदर हमारे ट्रैफिक को मैनेज कर पाएंगे मॉनिटर कर पाएंगे या नहीं तो देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा गूगल खुद कहता है कि अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देंगे तो आप अपनी पुरानी प्रॉपर्टी के अंदर रियल टाइम ट्रैफिक वगैरह चेक नहीं कर पाएंगे आपका प्रॉपर्टी कम्प्लीटली डिसेबल हो जाएगा तो अब देखिए फर्स्ट जुलाई टू थ्री तक अगर आपको पुराने प्रॉपर्टी को भी यूज़ करना है तो आपको ये कोड को यहाँ पर रहने देना होगा और आपको आपका नया कोड भी यहाँ पर एड करना होगा मतलब कि दोनों कोड को यूज़ करना होगा गूगल एंड 4 फोर इसके बाद गूगल एंड यूनिवर्सल कोड का दोनों का आपको एक साथ यूज़ करना होगा अगर आपको ऐसा करना है कि पुराना जितना भी जो डेटा है इसको दोस्तों आपको आपके न्यू प्रॉपर्टी के अंदर इंपोर्ट करके ये कोड को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देना है तो ये भी दोस्तों अभी के लिए पॉसिबल है लेकिन फर्स्ट जुलाई 2023 के बाद आपकी पुरानी प्रॉपर्टी के अंदर दोस्तों किसी भी प्रकार का डेटा नहीं रहेगा तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा कि ये जो कोड है इसको दोस्तों कंप्लीटली रिप्लेस कर दीजिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको आप रिप्लेस कर दीजिए फाइल को यहाँ पर अपडेट कर दीजिए अब आपकी वेबसाइट के अंदर दोस्तों ओनली ऑन गूगल एंड फोर आप यूज़ कर रहे हो इसके बाद दोस्तों आपको आगे के स्टेप के अंदर करना क्या है आपका पुराना प्रॉपर्टी है सिंपल इसको दोस्तों आप ओपन कीजिए जो यहाँ पर दोस्तों हमने ओपन करके रखा है अब यहाँ पर आपका ट्रैफिक आपको शो नहीं होगा क्योंकि हमने इसको रिमूव कर दिया हमारी वेबसाइट से आपको दोस्तों जाना है ऑडियंस में इसके बाद और यूकोर आपको क्लिक करना है अगर आपको ये जो डेटा है इसको आपको कहीं पर स्टोर करके रखना है जो भी जितने टाइम का आपका डेटा है यहाँ पर आप टाइम वगैरह चूज़ कर सकते हो ये टाइम का आपको डेटा है दोस्तों आपको सिंपल इसको एक्सपोर्ट कर लेना है यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट का ऑप्शन है इसके बाद पी डी एफ गूगल शीट जो भी आपको फॉर्मेट चूज़ करना कर लीजिए सी एस एम सिंपल यहाँ पर आप डेटा को एक बार आपके पीसी के अंदर दोस्तों सेव कर लीजिए जितना भी आपका डेटा होगा इसको दोस्तों हम सेव कर पाएंगे और इसके बाद ये डाटा को दोस्तों आप पुरानी प्रॉपर्टी के अंदर इंपोर्ट भी कर पाएंगे आने वाले टाइम के अंदर तो ये दोस्तों एक सबसे बेस्ट रास्ता है जिसके अंदर आप ओनली ऑन गूगल एंड टेक फोर का यूज़ कर पाएंगे अब गूगल आपको कहता है कि फर्स्ट जुलाई 2023 के बाद आपका पुराना प्रॉपर्टी के अंदर जो भी डेटा है इसको परमानेंटली डिलीट कर देगा और ये आपका यूनिवर्सल एंड शटडाउन हो जाएगा तो ये बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना है अब दोस्तों आगे के स्टेप के अंदर हम देखते हैं हमने कोड तो यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट कर दिया है अब यहाँ पर सिंपल हम होम पेज ओपन करते हैं और डिफरेंट देखते हैं कि आपको जी ए फोर इसके बाद यूनिवर्सल यूनिटेक के अंदर क्या क्या डिफरेंट देखने को मिलता है तो यहाँ पर देखिए सिंपल आपको देखा देगा इसका यूज़र इंटरफेस अपडेट हो चुका है यहाँ पर देखिए यूज़र न्यू यूज़र एंगेजमेंट इसके बाद टोटल रेवेन्यू पुराने के अंदर दोस्तों इस प्रकार का यूज़र इंटरफेस आपको देखने को नहीं मिलेगा थोड़ा डिफरेंट है इसके बाद यहाँ पर आप अपने खुद के रिपोर्ट्स ऐड कर पाएंगे ये बहुत ही अच्छी बात है आपको जो भी देखना है वो यहाँ पर आप एड कर पाएंगे तो ये दोनों के अंदर दोस्तों सिंपल सा डिफरेंट था इसके बाद भी काफ़ी सारे एडवांस डिफरेंट हैं इसके लिए दोस्तों आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड करना होगा वहाँ पर आपको सब कुछ बताएगा कि आपको इसके अंदर क्या क्या एडवांस देखने को मिलता है तो ये जो दोस्तों काम है वो आपको अभी कर लेना है मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि जैसे जैसे दोस्तों टाइम जाएगा इसके बाद अगर फर्स्ट जुलाई आ जाती है आप ये काम नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉपर्टी डिसेबल हो जाएगा और आपका जितना भी जो डेट है वो भी आप लॉस्ट कर पाएंगे लॉस्ट हो जाएगा तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है तो ये दोस्तों सिंपल सा अपडेट था जो भी आपको गूगल एंड की तरफ से दोस्तों मेल आया है इसका आपको इस तरह से सिंपल सेटअप कर देना है आपका काम हो जाएगा आपको किसी भी प्रकार का इश्यू नहीं आएगा तो बस दोस्तों आज का यहीं तक था आई होप कि आपको पसंद आया होगा अगर दोस्तों आपको पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए साथ हो साथ हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे थैंक यू फॉर दिस वीडियो